ब्लेंडिंग अगली कंसीलर की ऐसी होनी चाहिए कि हमारा ऑरेंज कंसीलर दिखना नहीं चाहिए, ठीक है, वो हाइड हो जाए और जो हमारी पिगमेंटेशन एरिया है वो ग्रे नहीं पड़ने चाहिए। अब हमें क्या करना है, जब हमारा कंसील हो जाएगा पाउडर ब्रश को और लूज पाउडर में से पफ हटा लो और अब से लूज पाउडर का डब्बा हमेशा उल्टा ओपन करना। ये हमारा हो गया बेस लॉक, एक्सिस प्रोडक्ट को हम लोग डस्ट ऑफ कर देंगे, ठीक। अब हम सीखेंगे कलर ट्रांजिशन। कलर ट्रांजिशन क्या होता है कि जब हमें कोई भी डिजायर कलर लेना होता है तो जैसे हमें चाहिए डार्क ब्लू कलर, तो उससे पहले ना हम डायरेक्ट अप्लाई करेंगे तो डार्क ब्लू ब्लेंड होके लाइट हो जाएगा, पर्पल में चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर हमें डार्क ब्लू को डार्क ब्लू में ही लेना है तो उससे पहले हम क्या करेंगे, उससे ट्रांजिशन शेड यानी उससे एक टोन, दो टोन, तीन टोन लाइट ले लेंगे। जैसे मुझे अगर ये वाला डार्क ब्लू लेना है तो मैं ये वाला पहले लाइट ब्लू से इसको ब्लेंड करूंगी अच्छे से, लाइट ब्लू ब्लेंड, इसके बाद एक टोन और डार्क करके पहुंचेंगे। देखो ये हो गया डार्क ब्लू। हमेशा जब भी ब्लेंडिंग करो, हाथ में बता दूं अभी, जैसे आपकी पतली पतली लाइन थी ना उसको ऐसे बड़े बड़े एरिया में लो ब्लेंडिंग करते वक्त, तो उसको फैला लो। उसके बाद हम लेंगे ये डार्क ब्लू, अपना प्रोडक्ट हमने पुट किया, उसके बाद हम लोगों ने ब्लेंडिंग, जो डिजायर ब्लू शेड था वो आ गया हमारा, ठीक। अगर इसी को मैं अगर करके दिखाऊं, खाली ब्लू को लेके मैं यहाँ अप्लाई करूं, कलर चेंज हो गया उसमें और इसमें, देखो कितना फर्क है।